हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम इन बलियासिटी.com। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोड्स, जहाँ पे C++, जावा, C#, या PHP। यहाँ पे इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग, जब ये एलिमेंट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्ट क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग या मैसेज पासिंग है क्या, और ये करता क्या है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम बनाने का जो बेस था, वो ये था कि अपने प्रोग्राम बनाने की एबिलिटी को रियल वर्ल्ड में, जिस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। तो अब अपने प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से अटैच करने का जो तरीका निकला, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। जैसे रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और उन ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी क्लासेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई चिड़िया, सपोज दैट डॉग, डॉग डॉग एक ऑब्जेक्ट है। हमारी कार, कार एक ऑब्जेक्ट है। हमारा घर, घर एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो किसी न किसी कैटेगरी यानी क्लास को बताती है। जैसे कि हमने बोला डॉग, तो डॉग की कैटेगरी या क्लास क्या हो जाएगी, तो वो एनिमल हो जाएगा। डॉग इज द एनिमल, ठीक है। तो और बर्ड के लिए क्या होगा, बर्ड एक क्लास हो जाएगी। तो उसमें बर्ड में बहुत सारे, बर्ड क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आदमी, ठीक है, आदमी का, आदमी यदि एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी कैटेगरी क्या है, ह्यूमन बींग, यानी उसकी क्लास बन जाएगी ह्यूमन बींग। इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, मतलब अपने प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास को बिलोंग करते हैं। अब वहां पे कुछ फीचर आते हैं, जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू प्रोवाइड द इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइड द बैकग्राउंड डिटेल। जब हम किसी प्रोग्राम के लिए या किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए और उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन को यूज करना पड़ता है। जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो हम आउटसाइड वर्ल्ड को बताते हैं, और जो बैकग्राउंड डिटेल है उसे हम हाइड कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक उसी तरह से डेटा इनकैप्सुलेशन का रोल होता है कि यहां पे फंक्शन को और डेटा को बाइंड टुगेदर, जब उसको बाइंड टुगेदर कर दिया जाता है, तो आउटर वर्ल्ड में वो डेटा मिस यूज होने से बच जाता है या आउटसाइड इंटरफेरेंस से बच जाता है, बिकॉज डेटा इज इंपॉर्टेंट हियर। एंड इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि यह हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने कोड को रीयूज कर सकें। तो यह रीयूजेबिलिटी आप कोड के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली इनहेरिटेंस हमारा एक मेथड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अपने कोड को बार बार अपने प्रोग्राम में यूज कर सकेंगे, और पॉलीमॉर्फिज्म इस ऑब्जेक्ट की एबिलिटी को बताएगा। कि पॉलीमॉर्फिज्म का होता है मैनीफॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट हमारा एक है लेकिन वो कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास क्लासेस की एक हायरार्की बनती है और वो क्लासेस इनहेरिटेंस से रिलेट होती हैं, तो वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म अकर होता है। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब होता है इट रिफर्स टू लिंकिंग प्रोसीजर कॉल टू कोड दैट विल एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ रन, यानी रन टाइम पे जो एग्जीक्यूट होता है, जो कोड रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक, उसके लिए जो प्रोसीजर कॉल की लिंकिंग है वो डायनेमिक बाइंडिंग बताता है। अब मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग का मतलब होता है कि रियल लाइफ में जिस तरह से पीपल एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, उसी तरीके से मैसेज पासिंग के थ्रू ऑब्जेक्ट
एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं. तो दीज ऑल आर द बेस फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प एंड PHP. अगर इनमें से कोई भी लैंग्वेज हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं. वो कौन कौन सी हैं जिनको हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं? तो वो है सिमुला, स्मॉल टॉक, एफएल, रूबी, पाइथन, VB.NET, जावा एंड सीशार. इन्हें हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं. अगर इसको हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं, इसका मतलब कुछ ऑब्जेक्ट बेस्ड भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, उनमें एडा है और जावा स्क्रिप्ट है. कुछ ऐसी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको एक्सटेंड किया गया, और जब एक्सटेंड किया गया तो वो उप्स के फीचर को सपोर्ट किए. जैसे ऑब्जेक्टिव सी, इट इज बेस्ड ऑन स्मॉल टॉक. ऑब्जेक्टिव सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एप्पल के द्वारा बनाई गई थी, और इसका जो बेस था वो स्मॉल टॉक था. स्मॉल टॉक के बिहाफ पे ही इसको डेवलप किया गया, यानी इसको एक्सटेंड किया गया. इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं उन्हें एक्सटेंड किया गया. C++ सिमुला से इसका कॉन्सेप्ट आया, सिमुला से इसने क्लास के कॉन्सेप्ट को ऐड किया, उसके फीचर को ऐड किया, और इसने भी उसके फीचर को सपोर्ट किया. ऑब्जेक्ट पास्कल, टर्बो पास्कल, इनमें बाद में क्लासेस के फीचर को एक्सेप्ट कराया गया या ऐड कराया गया. लाइक ये सब फीचर इसमें बाद में ऐड हुए. जब ऐड हुए तो ये कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हमारा उप सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन गए. तो दिस वाज दैट. आगे आने वाले लेसन में हम लोग, या अभी इसको हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं. ओके, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है कि जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म का एबिलिटी होगा, उनके अंदर जो ये प्रॉपर्टीज होंगी उनको ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे. और जब उनके अंदर इनहेरिटेंस और डायनेमिक बाइंडिंग जैसा रोल बढ़ा दिया जाएगा तब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाएंगे. यहाँ पे लिखा है एबव डिटेल्स आर द ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग. ये ऊपर का जो डिटेल है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, और उसमें जब हम प्लस ऐड कर देंगे इनहेरिटेंस और डायनेमिक बाइंडिंग को तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बन जाएगी. इन दिस लेसन इज टू मच. आने वाले लेसन में अभी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. थैंक्स.